your host Rishit Pongal. I hope you all are fit and fine. और मेरी थोड़ी तू भी इसका देखो ये नया वाला रेड कलर में ये लेके आया हूँ मैं और इस पर लिखा हुआ डू नॉट पेट. इसको सीरियस मत लेना है, बस ऐसे ही मतलब बोल मतलब अच्छा लगता है देखने के लिए. सो थोरू और मैं आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं और थोरू की पूछ ठीक हो गई है भाई. तो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं भाई. आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त है. वीडियो को ना देखने से पहले ही लाइक कर दो करते करो यार. चलो व्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है थोरू? देखो इनको गर्मी लग रही है और वो कहाँ चढ़ने, अभी ये चलने लग गए ना, तो देखो कहाँ बैठा हुआ है. और ये भी नहीं कि ये अभी अभी बैठा है, ये बहुत देर होगी है. और कैसे मुंह अंदर पाकर कैसे निकल के आगे. तो कल पापा ना थोरू को ले गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करवाना है. मैं पापा कहते हैं कि एक्सरे तो नहीं करवाएगा ये, आप इसके पेन किलर लगा दो. और वही था, हमें पता था ना इसकी चोट क्या है, तो पेन किलर लगाया और ये ठीक हो गया. हेलो थोरो, चल मम्मी को छोड़ के आते हैं. चले हेलो, तो भी चलेगी. जब तक ये फ्रेश नहीं होता नहीं कुछ नहीं खाता बंदा. इसका पनीर का पीस दिया है भाई. हेलो भाई, उठो भाई, मत्ती भाई. हेलो, तू भी जा रही है क्या? पानी मारिए बेटा, फिर ऊपर जाइए. आज तो दूध मैं ही गर्म कर रहा हूँ भाई. दूध गर्म हो रहा है. आज सब्जी क्या बनी है? शाही पनीर. हेलो, शाही पनीर बनी आज, पता है तेरे को? है तेरे को क्या खाना है? चिकन तंदूरी, चिकन लेग पीस. तेरे को चिकन लेग पीस खाना है? अरे थोर देख लो भाई, इसके नखरे देख लो इस आदमी के. पनीर का पीस पड़ा है इसके आगे और ये मेरे से रूसा हुआ है और इसलिए खा नहीं रहा. अब बताओ इसके नखरे इतने है ना इस आदमी के. हेला ने सच में छोटा सा पीस खा लिया है. कोनी यहाँ बैठी हुई है, सो रही है और हमारे चारों लाल अलग अलग सो रहे हैं. ये देखो देखो कैसे सो रहे हैं. और शाम के 4 बज गए भाई. फार्म पे जाऊंगा अब मैं और बस तबीयत से थोड़ी सी ढीली हो गई थी बट अब ठीक हूँ मैं. बट ये सारे सही हैं, फुल चीची चीची कर रहे थे बीच में बट अब सारे सो गए हैं. इनको गर्मी लगती है तो ये चीची चीची करने लग जाते हैं. दोस्तों फार्म पे बैठे हैं और मेरे दिमाग में ना 2-3 आइडिया आए फार्म के लिए. यहाँ पे पोंड बना के और यहाँ बतखें छोड़ देते हैं, कैसा लगा आइडिया बताओ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बाकी अभी गुड्डू की ट्रेनिंग चल रही है, स्टे लगा के छोड़ा हुआ है. और चलो गुड्डू, शुरुआत तो होगी गुड्डू की. स्लीप थोड़ी कहा था तेरे को, स्टे कहा था. चलो कोई नहीं, शुरुआत है इसकी, बात मानने तो लग गया. और वहाँ सोच रहे हैं वहाँ पे पोंड बना के और जैसे ये वाला जो केज है ना ऐसे ही यहाँ पे पूरा बड़ा सा केज बनाओगे, यहाँ पोंड बनेगा और यहाँ बतके छोड़ देंगे. फिर राकेश पकड़ता रहेगा बतकों को. क्यों ना खरगोश भी ले आए, घास की सफाई कर दे रहे होंगे खरगोश भी. बट ये खरगोश इसमें से निकल जाएंगे भाई, गेट के साइडों में से बाहर जब रोज आवेंगे. हमारा ब्रूनो है भाई, उसकी अब क्लिप देखो आप पहले की, उसकी कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, मतलब ट्रेनिंग हो रही है.
ब्रूनो शेक हैंड, होल्ड द हैंड, ब्रूनो होल्ड द हैंड, नो होल्ड द हैंड, सैल्यूट, नमस्ते, नो ब्रूनो नमस्ते, डाउन सेट स्टे, डोंट मूव, स्टे डाउन, वेरी गुड, सेट शेन, वेरी गुड। तो बताओ भाई ब्रूनो की कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, और अगर आप में से किसी को ट्रेनिंग करवानी है तो वो पेडवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और अगर कोई हमारे से दूर है, हिसार से दूर है, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो आप करवा सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जब ब्रूनो जैसा डॉग भी हो गया, और ब्रूनो छोटे छोटा है और गुड्डू शैतान से शैतान है, दोनों हो रहे हैं, तो सारी कैटेगरी कवर हो गई है, तो आपका भी कोई भी डॉग हो तो हम करवा देंगे ट्रेनिंग, तो आप करवा सकते हो, कॉल कर सकते हो और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बस बात ये है कि हम खरगोश तो रख ले, जैसे यहाँ घास घूस तो सही हो रही है, बट ये जो दीवार है के गेट और दीवार के बीच में गैप है ना, इनमें से ना निकल जाए बाहर, कहीं हुआ जो कर रोज बाहर से आए आप कार में यार, बाहर देखा वो चार पांच खरगोश फिर चुग के लाने पड़े रोज रोज दो तीन राकेश ठा के लाओ भाई, दो दिन तू लाओ दो दिन में लाओ, करेंगे, बट ये जगह सही है, यहाँ कर सकते हैं, पौंड वगैरह बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो वो चीज़ हो जाएगी, बाकी बता दियो कमेंट सेक्शन में, वो कर देंगे, ठीक है। चलो अब घर चलूँ मैं, जाएंगे, बाकी शायद फिश शॉप पे जा सकता हूँ मैं, अगर वहाँ गया तो आपको दिखा दूंगा, नहीं अब घर जाऊँगा तब आपको घर पर मिलाता हूँ। थोरू की पूछ ठीक हो गया ऑलमोस्ट, बाकी थोड़ा सा दर्द है, उसको पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया था तो वो ठीक हो गया था, जैसे कि आपने देख ली थी उसने पूछ उठा ली थी, और सारी चीज़ें ठीक है। कोनी के बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, अब जब वो प्रॉपर इंस्टाग्राम पे मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा आपको, जब देखना कैसे लग रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों आज फार्म पे मैं हूँ रात को, और फार्म पे सबको खाना दे दिया है, और आज मेरे साथ मेरा थोरी मेरे साथ ही रहेगा रात को, तो मुझे इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, इस पर और कोने पर, कि भाई ये अपनी जान दे देंगे, वैसे तो कुछ होता नहीं बट फिर भी यार ये अपनी जान दे देंगे मेरी जान बचाने के लिए, तो मुझे इस पे और कोने पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो ये थोरी मेरे साथ आया हुआ आज, और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सुबह का भी अपडेट दिखाई दूँ इसी ब्लॉग में, सो जब तक ब्लॉग में नहीं डालता तब तक का अपडेट सारा इस ब्लॉग में ही आएगा। और ये सारों को खाना दिया हुआ है, ये कुछ खाना खा रहे हैं, ये अपने गुड्डू ने खाना खा लिया है, इसने सारे मैट उठा के पटक दिए, एक सेकंड में लाइट बढ़ा दूँगा, ये तो खा रहा है, ये भी खा रहे हैं और वो भी खा रही है, फिर सारे खाना खा रहे हैं। खा लिया बेटू, खा लिया, ये हमारा प्यारा बच्चा है, तूने खा लिया कुछ, खा ले। सो चलो सुबह का अपडेट देता हूँ आपको मैं, बाकी मैंने ना अपने टैंक्स में नई फिशेस भी डाल दी है, थोड़ी सुबह सुबह कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह ये नज़ारा है फार्म का, एक कुजो बाहर घूम रहे हैं, और इन सबको एक बार बाहर निकाल दिया था, गुड्डू भी फ्रेश हो गया और ये भी हो चुके हैं, और ये शरारत कर रहे हैं अभी, और ये कुजो की बारी है, और थोर अभी अंदर है, क्या है क्या है क्या है? देखिए इस खुशी ने इनको यूज सिखा दिया कि ऐसे कूदना होता है, ये देखो ये भी दोस्त से बन गए, बट मैंने अभी खोल नहीं रहा यार, अभी भरोसा नहीं कर रहा मैंने, तो थोड़ा सा एक बार मैं खुद फ्रेश हो लूँ, मैं भी नहीं फ्रेश हुआ अभी तक, मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को। और वो वाला कूलर मैंने बंद कर दिया क्योंकि अंदर कोई नहीं है अभी, और ये वाला मैंने पानी डाला ताकि थोर अंदर है, और कुंडी लगाई हुई है, अगर वो बाहर आ गया ना तो उसको पसंद नहीं है ऐसे कोई और उसकी प्रॉपर्टी में रहे, मेल फीमेल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर घेरा हुआ है। तो भाई कुछ बाहर घुमाने आ गया, मैं यहीं घुमाता हूँ, और ये पागल था पूरा ग्राउंड घुमाएगा, बट आगे इन्हें पोटी करनी है यहाँ पे, पूरा ग्राउंड घुमाएगा वो वाला, बट करनी पोटी इसने आई है। तो गुड्डू को अभी बाहर नहीं लेके जाते हम, क्योंकि गुड्डू अभी देखो शोषण तो हो रहा है बट इतना नहीं हुआ कि मैं इसको अभी बाहर लेके जाऊँ, तो गुड्डू यहीं फ्रेश हो जाता है अंदर, और ये यहाँ से फिर मैं उठा के उसको डिस्पोज कर देता हूँ उसकी फीकल मटेरियल को, जैसे कूजो बाहर जाते ये नहीं जाते बाहर, और खुशी और ये भी बाहर नहीं जाते, इनके तो ये पता क्या केज में नहीं करते, इनकी आदत बनी हुई है
जैसे मैं सुबह इनको बाहर प्लेइंग एरिया में निकाल रहा हूँ, जैसे इनका प्लेइंग एरिया है, तो ये यहाँ ही आके कर देते हैं, फिर मैं इनको उठा के डिस्पोज कर देता हूँ। खुशी, हाँ आज खुशी को मैंने प्यार नहीं करा, एक्चुअली मैं जल्दबाजी में चीजें कर रहा हूँ, मेरी आदत छूट गई है ना काम करने की। देखो कितनी जम मारी है, और इसने ना इना मीना को भी सिखा दिया भाई। और भाई ये बहुत बड़ा प्लेइंग एरिया है, तुम ये ना समझ रहे कि ये छोटी स्पेस है, ये खेल खेल के, ये जो इतना मीना इतने बड़े हुए हैं ना, ये यहीं खेल खेल के हुए हैं, तो ये यहीं होते हैं। और देखो गुड्डू भी हो रहा है, चलो चलो चलो, बस अब थोर को निकाल लूंगा मैं बाहर, तो थोर भी थोड़ी देर घूम लेगा। फिर ये करता भी घास में, इतनी बड़ी घास में देख देखते फ्री हो गया। फील फ्री गुड्डू, गुड्डू देखो फ्री फील हो रहा है क्या देखते गुड्डू। अरे मेरे बेटे गुड्डू, गुड्डू के अब ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जैसे कि आपने इससे पहले वाले क्लिप में देखा था, प्रॉपर इसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। आया गुड्डू, पहले तो इसको सोशल कराता ना भाई, पहले तो इसको 10 दिन तो इसको मेरे साथ मेरे पे भरोसा करने पे टाइम लग गया इसको 10 दिन तो। गुड्डू चल भाई अब केज में आ जा। अरे थोर को भी निकालना भाई, उसको भी प्रेशर आ रहा होगा। देख लो मस्तियाँ देख लो, यहाँ मैंने पौधे रखे हुए थे, ये आगे इसमें से पानी पी लेते हैं। चलो चलो गुड्डू चलो चलो, देखो देखो आप यहाँ पे ना डॉग्स की खुशी उनके एक्शन से देख सकते हो, उनकी कितनी खुशी है, कितने खुश है, ये देखो आप इनके एक्शन से देख सकते हो आप। यहाँ पे ये ना यहाँ एक बार आ जाएंगे तो जाने का इनका मन नहीं करेगा। थोड़ी भी आ गई बाहर, अब ये जाए चलेगी, अब ये सारे डॉग आई है, देखो कैसे गुड्डू देख रहे हैं भाई, नजारे अलग है। गुड्डू देखो, गुड्डू गुड्डू कह रहे मुझे भी मिलना है। गुड्डू को तो नहीं छोड़ सकता, पर इन तीनों को छोड़ सकता हूँ मैं थोर के साथ। तू क्या बदमाश पड़ रही है, हैं? अरे ये अपना थोरी तो है ही डॉन, ये दोनों आमने सामने हो गए थे, गुड्डू और थोरी। थोरू आजा, चल देख आजा, थोरू खुशी से मिलाता हूँ, आजा आजा थोरू, देख ये तो अच्छे अच्छे है ना, कैसा लग रहा है। चलो भाई अब व्लॉग को एंड कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अब व्लॉग को डालना भी है, तो इसी के साथ इस प्यार से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सडनली मेरे को यहाँ रहना पड़ गया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया व्लॉग में। और आप लोग कहोगे कि मतलब अ डे इन अ फार्म, अपना पेंडोस्टी फार्म, वो भी व्लॉग बनाऊँ, तो मैं पूरे जीरो से लेके लास्ट तक का पूरा दिन, पूरा एक 24 घंटे यहाँ रह के दिखाऊंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ क्या काम होता है और यहाँ कितनी मस्तियाँ होती है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है भाई। सो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई, और कमेंट सेक्शन में बता देना मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ओके बाय बाय, बाकी इस नंबर पर कॉल कर लो, सिर्फ 2 बच्चे बचे हुए हैं अगर थोर के लेने हैं तो, आपको कोनी और थोर के, तो ट्रेनिंग के लिए भी इधर ही कॉल कर सकते हो आप। ओके बाय बाय।